birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. कांग्रेस के गद्दावर नेता सुभाष यादव ने मनाया अपने ऑफिस में उनका जन्मदिन। इस जन्मदिन के अवसर पर उनके सभी पदाधिकारी और कांग्रेस के कई सारे नेता उनका जन्मदिन मनाने पहुंचे उनके कार्यालय, जहां पर सुभाष यादव के जन्मदिन के अवसर पर सभी ने केक काट करके कैलेंडर बांटा। इतना ही नहीं, इनके जन्मदिन पर आए सभी कार्यकर्ता और आम जनता ने सुभाष यादव को बधाई दी और अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं की। इस विभाग के उत्तर मुंबई जिला के उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय सुभाष यादव जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूं। और आज के दिन ही उन्होंने कैलेंडर, जो हमारे आदरणीय मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा ताई के नेतृत्व में कैलेंडर का आज विभोजन किया है, जिसमें सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। वरिष्ठ हमारे उपाध्यक्ष मुंबई कांग्रेस के इंदु प्रकाश तिवारी जी हैं, मेरी सभी महिलाएं दामोनगर सिंह स्टेट से आई हुई हैं, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। तो हम आज सभी कांग्रेस के विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं और हमें कांग्रेस के विचारधाराओं को और आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रुचि है। जिस तरीके से हमारे लोग काफ़ी सालों से कांग्रेस का झंडा लेके यहाँ पे सक्षम है, मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमको लड़ाई लड़नी है, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और हम हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने दिखा दिया भारत जोड़ो यात्रा पैदल चल के कि वो जमीनी नेता हैं, हम उसके उनके ही वो ही हमारे लीडरशिप में हैं। हम चाहते हैं कि मुंबई में भी वो जब आने वाले हैं 14 जनवरी से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, उसका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम मुंबई में आदरणीय राहुल गांधी को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी न्याय यात्रा किस तरीके से सफल हो, हम सब मिलके काम करें। जो है हमारे सुभाष यादव जी का, जो कि हमारे इस ब्लॉक के अध्यक्ष हैं और बहुत ही कर्मठ नेता हैं, और इनकी अध्यक्षता में इनके ब्लॉक में ही हम मुंबई कांग्रेस के, हम भले पदाधिकारी हैं लेकिन इनकी अध्यक्षता में इनके ही वार्ड में हम, इनके ही ब्लॉक में हम रहते हैं। भाई सुभाष यादव जी जिस तरह से काम करते हैं, और हम सभी लोगों को, कोई भी प्रोग्राम हो, छोटा से बड़ा हो प्रोग्राम, कोई भी हो, पहले हम लोगों से बात विमर्श करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को बनाते हैं, और उसमें प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जिस तरह से जो कार्य करना पड़ता है वो हम सभी मिलकर के कार्य करते हैं। आज उनका जन्मदिन है, मैं भगवान से और मेरे कांग्रेस पार्टी से की तरफ से मैं ये, हमारी अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ जो कि मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा है, उनकी तरफ से भाई सुभाष यादव जी को ढेर सारी शुभेच्छा बधाई, और ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और ये आनंदित रहे, और इसी तरह से ये चमकते रहे, और कांग्रेस का झंडा हमेशा ये ऊंचा करते रहे। बोलिए भाई, आज आपके जन्मदिन के मौके पर कैलेंडर का लोकार्पण किया गया, क्या कुछ कहेंगे, काफी लोग जो है आपके मौके पर। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को, खास करके ब्लॉक क्रमांक 26 के सभी रहवासियों को नए साल के हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। और कल मकर संक्रांति का भी दिन, नया त्यौहार है जो कि हमारे हिंदुओं में बहुत पवित्र माना जाता है। सभी लोगों को ब्लॉक की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज मुंबई कांग्रेस श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़ के आदेश पर, हमारे जिलाध्यक्ष कानूभाई बुधेलिया के निर्देशन पर, और आज हमारे बीच माजी नगर सेविका, माजी मुंबई अध्यक्षा श्रीमती अजंता यादव जी, अभी हमारी बीच में उपस्थित हम सबके बड़े भाई, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, माजी उपाध्यक्ष मुंबई प्रदेश के डॉक्टर इंदु प्रकाश तिवारी जी, दूसरे हमारे बड़े भाई बीपी सिंह जी, श्याम बिहारी पांडे जी और एस के राजपूत जी, कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आज इस
हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। आज कैलेंडर के इस प्रोग्राम में जो आज यहाँ पे हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देंगे और उन्हें कैलेंडर उनके घर में देंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग सतर्क हुए हैं और लोगों के बीच जाएंगे। कांग्रेस ने जो 60 साल के अंदर जो काम किया है और मौजूदा सरकार में बैठे हुए मोदी सरकार जो 10 साल के अंदर जो काम किया है, दोनों के बारे में हम लोगों को अवगत कराएंगे कि जो 60 साल बीता और जो 10 साल के बीत रहे उसके बीच में क्या जनता महसूस कर रही है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2014 के इलेक्शन के बाद जब मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने एक ही वादा किया था लोगों के बीच में जाकर कि हम गरीबी मिटाएंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगार देंगे, काला धन लेकर आएंगे। लेकिन आज 10 साल बीतने के बाद भी लोग उसी आस के ऊपर रुके हुए हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोग और खास करके मोदी जी कह रहे थे कि 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में डालेंगे। आज उस 15 लाख को देखने के लिए आज भी जनता तरस रही है कि कब हमारे खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। पैसा तो नहीं आया लेकिन गरीबी बढ़ती गई, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। एक कांग्रेस और भाजपा में फर्क है, कांग्रेस हमेशा मध्यम वर्गीय मजदूर किसानों गरीबों को लेकर चलती है और भाजपा ये अमीर लोगों को अंधाने और अमारी को लेकर चलती है। ये कांग्रेस और क्या ना भाजपा की सोच में फर्क है। आने वाले समय में 2024 में इलेक्शन हो रहा है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जनता समझदार हो गई है और जान रही है उनका भला कौन कर सकता है, कांग्रेस कर सकती है कि भाजपा कर सकती है, इस चीज को वो समझ गए हैं। और आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन निश्चित है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वापस दिल्ली में की कुर्सी पर बैठेगी और लोगों को आश्वस्त करेगी कि हम आ गए हैं और आपकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे।